कर्नाटक में सीएम की कुर्सी की लड़ाई के बाद पहली बार सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार एक साथ नजर आए। दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर खड़गे के घर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर दोनों की नाश्ते पर मुलाकात भी हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ समय पहले की, जब दोनों एक साथ एक गाड़ी में पहुंचे और ये एक इमेज प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं कि बाहर सब कुछ दिखाना कि ठीक चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है, किसी तरह का टकराव नहीं है डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ग्रुप गुट के बीच में, और इसीलिए इस तरह से आखिरी अनाउंसमेंट से पहले कि जब सिद्धरमैया को फॉर्मली मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस किया जाएगा उससे पहले इस तरह की तस्वीरें। बिल्कुल आशीष, तस्वीरों में भले ही एकाध दिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन डीके शिवकुमार के जो भाई हैं डीके सुरेश पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और लगातार जो शिवकुमार समर्थित विधायक हैं उनका भी ये कहना है कि सिद्धरमैया को पहले मौका मिल चुका है लेकिन इस बार मौका डीके शिवकुमार को मिलना चाहिए था। और जैनेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। आशीष जैनेन्द्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक साथ दिखे सिद्धा और डीके, लेकिन क्या कुछ सब कुछ अंदर डिसीजन ले लिया गया है, दोनों के बीच में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, फाइनल अनाउंसमेंट कब? देखिए, फाइनल अनाउंसमेंट आज शाम बेंगलुरु में होगी, 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें औपचारिक तौर पर जो पर्यवेक्षक हैं सुशील कुमार शिंदे वो ऐलान करेंगे। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव किया जाएगा सिद्धरमैया के नाम का मुख्यमंत्री का, जिसका अनुमोदन करेंगे सभी विधायक और इसके बाद औपचारिक ऐलान होगा। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर और घर के अंदर की तस्वीर आ गई। आशीष, आप मैं कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुरजेवाला ने किया इस तस्वीर को, लिखा है द विनिंग टीम, तो टीम की तरह सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार लड़े, हालांकि जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी लड़े, लेकिन अब जब सब कुछ तय हो गया है तो एकजुटता की कोशिश और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपसे कुछ देर पहले प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, और एक क्रेडिट सुरजेवाला को भी देना होगा कि इन दोनों के बीच कितने मतभेद हैं यह नतीजों के बाद साफ हो गया, लेकिन चुनाव से पहले मतभेद किसी भी सूरत में सामने ना आए यह शोर किया सुरजेवाला ने। और अगर आपके पास समय हो आशीष जी, यहाँ पर सिद्धरमैया के घर पर मैं मौजूद हूँ बेंगलुरु में, और कल से ही उनके समर्थक जो है वो लगातार उनकी तस्वीरों पर दूध चढ़ा रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, और वही प्रक्रिया एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बेंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर उनके समर्थक जो है वो उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। दोपहर बाद जब सिद्धरमैया घर आएंगे तब बड़ा जश्न देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ तय हो गया है। बीती रात जो है सिद्धरमैया तो सीएम के लिए पहले से तय थे, डीके शिवकुमार जो अड़े हुए थे मुख्यमंत्री से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें आखिरकार मनाया गया। इसमें सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा, अब सब कुछ तय हो गया है। एक बड़ी बात है जैने कि सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप तस्वीरों में जिस तरह से दिखा रहे हैं कि सिद्धरमैया की तस्वीरों पर दूध चढ़ाया जा रहा है, लेकिन डीके शिवकुमार के सपनों पर तो पानी फिर गया। पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है कि जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और वो नाखुश रहेंगे इससे, तो काफी भारी भरकम न केवल मिनिस्ट्रीज बल्कि नंबर भी मिनिस्ट्रीज के बहुत ज्यादा होंगे उनके पास। बिल्कुल, देखिए मंत्रालय कौन कौन से मिलेंगे डीके को ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण मंत्रालय, अब वो क्या होम और वित्त फाइनेंस है यानी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है, या वित्त मंत्रालय के साथ कोई दूसरा मंत्रालय, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो मुख्यमंत्री के साथ रहती है। तो हालांकि डीके का कैंप जो है वो क्लेम कर रहा है कि दो महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे, क्या उसमें होम मिनिस्ट्री भी होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पोर्टफोलियो को लेकर के स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी आप जानते हैं आशीष की ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन होता है, तो इसको लेकर के गोपनीयता बरती जा रही है, लेकिन इस सरकार पर छाप होगी डीके की। बिल्कुल, और तस्वीर भी जो हम दिखा रहे हैं साइड में एक और स्क्रीन पर जैनेन्द्र, उसमें साफ नजर आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार, लेकिन अगर तस्वीर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डीके शिवकुमार पूरी तरह स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है तब खुलासा होगा आशीष कि आखिरकार उनके पास क्या क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।